तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा करने के बाद अंतरंग जो चारित्र है उसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी, आज उसी चर्चा को मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाउणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। कल हमने इन पंक्तियों से कि यों हैं सकल संयम चारित सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आप नी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अर्थात अब तक हमने सकल संयम का वर्णन किया, अब मुनिराज के अंतरंग चारित्र का स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया जाएगा, जिसको सुनकर अपनी आत्मा की निधि प्रकट होगी। अथवा यूं कहें कि मुनिराज जिस चारित्र के बल से अपनी आत्मनिधि को प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, उस चारित्र का वर्णन अब यहाँ किया जाएगा। मुनिराज कैसा चारित्र प्रकट करते हैं, कैसा वे ध्यान करते हैं कि जिस ध्यान के बल से उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है, कैसे वे निर्विकल्प होते हैं, कैसी होती है उनकी अपनी आत्मस्वरूप में स्थिरता, इन सब बातों का वर्णन अब हम कुछ दोहों के माध्यम से करेंगे। आइए सबसे प्रथम दोहे को दौलत राम जी के शब्दों में देखते हैं। जिन परम पैनी सुबुद छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरा कादिते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भे दन रयो। भावार्थ, जिन मुनिराज ने अत्यंत तेज सूक्ष्म धार वाली भेद विज्ञान रूपी छेनी के द्वारा अंतरंग में पड़े अज्ञान के आवरण को तोड़ दिया है और शरीर के वर्ण आदि गुणों एवं राग द्वेष आदि कषाय भावों से अपने आत्म स्वरूप को पृथक कर लिया है, वे मुनि अपनी आत्मा में अपने आत्महित के लिए अपने आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को आप ही ग्रहण करते हैं, तब गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान और गिये इन सब में कुछ भेद नहीं रह जाता, अर्थात आत्म ध्यान में उनके सब विकल्प मिट जाते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्ध छेनी, जिन्होंने परम पैनी और सुबुद्धि रूपी छेनी से को डारी अंतर अर्थात अंदर में डाल करके भेद दिया, भेद कर दिया, किसका भेद कर दिया, वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, अर्थात वर्णादि और रागादि के जो भाव थे उन भाव से अपने आत्म स्वरूप को बिल्कुल न्यारा कर दिया। आपने पत्थरों को पर्वतों को तोड़ते हुए देखा होगा, कोई बहुत बड़ा पर्वत हो पहाड़ हो और उस पहाड़ को यदि हमें तोड़ना हो तो क्या करेंगे,
तो उस पहाड़ पे ऐसी स्थान देखा जाता है कि जिस स्थान पर यदि छेद करे तो वो अलग हो जाए और उस स्थान पर छेनी मारी जाती है और उस छेनी से दो अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ परम पेनी अत्यंत तीक्ष्ण ऐसी छेनी का उपयोग किया गया है और वो अत्यंत पेनी छेनी क्या है, तो वो अत्यंत पेनी छेनी है ज्ञान। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, मतलब सुबुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान रूपी परम पेनी छेनी से अंतर में दो भेद कर दिए, अंतर में उसको डाल के, जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर, अर्थात अंतर में डाला, अंतर माने अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में सुबुद्धि ज्ञान रूपी छेनी का उपयोग करके और वर्णादि और रागादि भाव को अलग अलग कर दिया, वर्णादि रागादि भाव को और आत्मा को अलग अलग कर दिया। वास्तव में जब मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो वे वर्णादि रागादि भाव से अपने आत्मा को बिल्कुल न्यारा का न्यारा देखते हैं, ऐसी अद्भुत उनकी परिणति होती है। वर्णादि अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव और रागादि अर्थात मोह राग द्वेष के भाव, स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, आत्मा में न स्पर्श है न रस है न गंध है न वर्ण है। अनेक ग्रंथों में गाथा आती है, अरस आत्मा अरस है, अरूपम अर्थात आत्मा अरूप है, अगंध अर्थात आत्मा अगंध है और अशब्दम अर्थात आत्मा में शब्द नहीं है, आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण मात्र पुद्गल के गुण हैं और शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा को पुद्गल के गुणों से न्यारा करना और रागादि भाव से न्यारा करना, रागादि भाव अर्थात राग द्वेष मोह के भाव, क्रोध मान माया लोभ कषाय के भाव, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद के भाव, कषाय स्थान के असंख्यात परिणाम, ये जितने भी मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं, इन सब विकारी भाव से अपने आत्मा को न्यारा किया। किसके माध्यम से? ज्ञान रूपी परम पेनी छेनी के माध्यम से, अर्थात ज्ञान रूपी परम पेनी छेनी का अपने आत्मा में उपयोग किया और उसका उपयोग करके अपने आत्मा को इन मोह राग द्वेष भाव से और इन स्पर्श रस गंध वर्ण से न्यारा देखा, आत्मा को चेतना गुण वाला देखा। आत्मा कैसा दिखाई दिया? आत्मा चैतन्य गुण वाला दिखाई दिया, अर्थात आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप दिखाई दिया, आत्मा में मोह राग द्वेष और स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं दिखाई दिए। जब मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो इस प्रकार से अपने आत्मा को मोह राग द्वेष भाव से और स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव से एकदम न्यारा का न्यारा देखते हैं, न्यारा का न्यारा अनुभव करते हैं। इसका नाम है परम पेनी छेनी डालकर अंतर में भेद करना। यदि छेनी का हमने सही जगह उपयोग नहीं किया तो अनेक वर्षों तक भी यदि हम पत्थर के ऊपर प्रहार करेंगे टूटेंगे नहीं। उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा यदि हमने भेद विज्ञान नहीं किया, विभाव भाव का और स्वभाव भाव का भेद विज्ञान नहीं किया, तो आत्मा की अनुभूति होना असंभव हो जाएगी। तो जो पुद्गल के भाव है और जो आत्मा के विभाव भाव है उनसे आत्मा को न्यारा करके जो अपने को देखता है वो वास्तव में अपनी अनुभूति को प्रकट करता है। और मुनिराज किस प्रकार से अपनी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं इसका वर्णन हम एक अल्प विराम के बाद करेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज के ध्यान का हम वर्णन कर रहे हैं, मुनिराज के स्वरूपाचरण चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, कैसा होता है उनका यह चरित्र। तो हमने कहा कि जो मुनिराज अपने अंतरंग में परम पेनी रूपी परम पेनी ऐसी ज्ञान रूपी छेनी का उपयोग करके वर्णादि और रागादि भाव से अपने आत्मा को न्यारा देखते हैं और क्या करते हैं, तो कहा है निज माँ ही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो,
निज माँ ही अर्थात मुनिराज अपने में, निज माँ ही निज के हेतु अपने लिए, निज कर अपने द्वारा आप को अर्थात अपने को आपे अर्थात अपने से ग्रहण करते हैं। अर्थात जो षटकारक होते हैं वे षटकारक मुनिराज अपने में देखते हैं, अपने एक आत्मा में ही षटकारक लगाते हैं। कौन से होते हैं वे षटकारक? षटकारक के नाम है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पेपर, ये छह षटकारक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। मैंने किसी दूसरे को दूसरे के लिए, दूसरे के द्वारा, दूसरे से, दूसरे के आधार पर किया, ये सब दो द्रव्यों में षटकारक है। जैसे कुम्हार ने घड़े को बनाया, चाक मिट्टी आदि के द्वारा बनाया, पृथ्वी के आधार पर बनाया और मिट्टी से बनाया, ये सब, अथवा कीली से बनाया, दंड आदि से बनाया, ये सब दो द्रव्यों में षटकारक की प्रवृत्ति है। यहाँ पर एक ही द्रव्य में षटकारक लगाए जा रहे हैं, अर्थात निज स्वयं अपने को, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से और अपने आधार पर अपने को ग्रहण करते हैं। ये एक द्रव्य के अंदर षटकारक लगाए गए हैं, अर्थात मुनिराज निज हेतु निज कर आप को आपे गयो, निज माँ ही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो, निज माँ ही अपने में अपने लिए अपने द्वारा अपने को अपने में ग्रहण करते हैं। अर्थात मुनिराज सब कुछ अपने में देखते हैं, मैं अपने को ग्रहण करता हूँ, अपने लिए ग्रहण करता हूँ, अपने द्वारा ग्रहण करता हूँ, अपने से ग्रहण करता हूँ और अपने आधार पर ग्रहण करता हूँ। सब कुछ मुनिराज जब अपने अंतरंग में देखते हैं अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, तो सारी चीज़ अपने अंदर देखते हैं कि मैं केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए स्वयं ही कारण हूँ, स्वयं ही उसका आधार हूँ, स्वयं स्वयं के लिए करता हूँ, स्वयं स्वयं को प्राप्त करता हूँ और स्वयं ही स्वयं में रमता हूँ। इस प्रकार से जो षटकारक है, उन षटकारक की जो अभेद वृत्ति है वो एक द्रव्य में जब होती है तब मुनिराज की अद्भुत ध्यान अवस्था होती है। और यहाँ उस ध्यान अवस्था का वर्णन किया है कि जहाँ मुनिराज अपने में ही सब चीज़ें लगाते हैं, किसी पर द्रव्य में कुछ नहीं देखते। प्रवचन सार के अंदर एक स्वयंभू नाम की गाथा आती है, उसमें भी यही आया है, भूदो होदि स्वयमे वादा, अर्थात आत्मा स्वयं ही स्वयंभू होता है, वह आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करता है तो किसी दूसरे द्रव्य की सहायता से नहीं, किसी दूसरे द्रव्य की मदद से नहीं, स्वयं ही स्वयं के षटकारकों के द्वारा अपने में केवल ज्ञान दशा को प्रकट करता है, स्वयंभू होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मुनिराज सब कुछ अपना अपने अंतर देखते हैं, किसी परद्रव्य का अवलंबन नहीं देखते कि किसी परद्रव्य की मदद से मुझे केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान प्रकट होगा तो अपना अपने अंदर से प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता आत्मा में है, वीतरागता प्रकट करने की योग्यता आत्मा में है। इस प्रकार परद्रव्य से निरपेक्ष होकर और अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होकर और सब कुछ अपनी आत्मा में देखते हुए वे मुनिराज अत्यंत उत्तम ध्यान अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसी अंतरंग परिणति मुनिराज की होती है। और अगली पंक्ति में कहा है, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रहो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार अर्थात इनमें कछु भेदन रहो, गुण और गुणी का भेद नहीं रहा, मैं आत्मा हूँ और ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा किसी प्रकार का भेद नहीं रहा, क्योंकि जब तक भेद है तब तक विकल्प है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ये भेद दृष्टि भी विकल्पों को उत्पन्न करती है। जहाँ एक वस्तु होती है वहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं होता, जिनके एक पुत्र होता है उनमें ये विकल्प नहीं होता कि किसको क्या देना है और किसको क्या देना है, जहाँ दो होते हैं वहाँ विकल्प की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जब हम आत्मा के भी अनेक गुणों का चिंतन करते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो उन गुणों के भेद के निमित्त से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। और मुनिराज निर्विकल्प होना चाहते हैं, इसलिए वे इन विकल्पों को भी गौण कर देते हैं, मैं ही गुणी हूँ और मैं ही गुण हूँ। गुण गुणी अर्थात गुण गुणी का भेद भी जहाँ अस्त हो जाता है, जहाँ गुण गुणी का भेद है वहाँ तक विकल्प दशा है,
और जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है वहाँ निर्विकल्प अवस्था है। तो मुनिराज ये भेद भी नहीं करते कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, और वास्तव में भी आत्मा में ऐसे कोई ज्ञान दर्शन चारित्र अलग अलग नहीं है। आत्मा तो अनंत गुणों का एक अभेद पिंड अखंड वस्तु है। समझाने के लिए जरूर उसमें गुणों का भेद किया जाता है, क्योंकि वस्तु को समझाने के लिए गुण भेद करना अनिवार्य है। किसी वस्तु को समझना होगा, और यदि हम ये कहते रहें कि वस्तु अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। इसलिए वस्तु को समझाने के लिए गुणों का भेद किया जाता है, लेकिन वस्तु का अनुभव करने के लिए गुण भेद को भी गौण करके और अभेद का अनुभव किया जाता है। इसलिए कहा गुण गुणी ज्ञाता, अर्थात गुण गुणी का कोई भेद जहाँ नहीं है। और कौन कौन से भेद नहीं है? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, अर्थात मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान मेरा गुण है और मैं इन इन वस्तुओं को जानता हूँ, ये मेरे जानने में आने वाली वस्तुएं, इस प्रकार का भेद भी जहाँ नहीं रहता। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेदन रहो, ज्ञाता ज्ञान और गे इनमें कोई भेद नहीं रहा। मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही गे हूँ। वास्तव में वहाँ स्वद्रव्य गे दिखाई देता है, परद्रव्य गे रूप में नहीं दिखाई देता। मेरा आत्मा ही जानने में आने योग्य है, मैं आत्मा के आत्मा को ही जानता हूँ, आत्मा के द्वारा जानता हूँ और आत्मा ही जानने में आता है, परद्रव्य जानने में आता नहीं। जो परद्रव्य जो झलकते हैं आत्मा के ज्ञान में, वो वास्तव में ज्ञान का ही दर्शन है। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर अनेक वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है, और हम जब दर्पण को देखते हैं तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, लेकिन हम वास्तव में दर्पण को देख रहे हैं कि उन वस्तुओं को देख रहे हैं? व्यवहार से कहा जाता है कि हमने दर्पण में स्थित अग्नि को देखा, लेकिन हमने अग्नि को नहीं देखा है, हमने देखा किसको है? दर्पण की स्वच्छता को देखा है। ठीक उसी प्रकार यह जीव अपनी ज्ञान पर्याय को देखता है, अपनी आत्मा के ज्ञान को देखता है और ये मानता है कि मैंने पर पदार्थ को देखा, लेकिन पर पदार्थ को नहीं देखता, अपने ज्ञान को देखता है। उस ज्ञान में पर पदार्थ स्वयं अपने आकर प्रतिबिंबित होते हैं। जिस प्रकार दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान में लोक अलोक समस्त वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है। तो आत्मा देखता तो है अपनी ज्ञान की पर्याय को और मानता है परद्रव्य को मैं देख रहा हूँ। तो इस प्रकार की वृत्ति मुनिराज की नहीं होती। मुनिराज तो ये कहते हैं कि मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ, अर्थात आत्मा को ही मैं जान रहा हूँ, और ये परद्रव्य भी यदि कुछ जानने में आ रहे हैं तो वो आत्मा की ज्ञान पर्याय में आ रहे हैं, मैं तो अपने आत्मा के ज्ञान पर्याय को ही देख रहा हूँ। तो ज्ञान ही उनका ज्ञेय है, ज्ञान के ज्ञान ही उन ज्ञान से जान रहे हैं, और वास्तव में ज्ञान जो गुण है वही उनके लिए जानने का कार्य करने वाला गुण व आत्मा का अभेद गुण है। अर्थात ज्ञान जानने में आने वाली चीज और ज्ञाता, इन तीनों में वे किसी प्रकार का भेद नहीं करते। ऐसी अभेद दृष्टि से जब मुनिराज ध्यान करते हैं तो उनकी अद्भुत अलौकिक वृत्ति होती है। और किस किस प्रकार की मुनिराज की वृत्ति होती है, इसको हम अल्प विराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पंक्ति आई थी कि गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेदन रहो, अर्थात गुण गुणी में और ज्ञाता ज्ञान गे में कछु कुछ भेद नहीं रहता। ये जो वृत्तियाँ, ये जो वर्णन चल रहा है, ये वर्णन मुनिराज की ध्यान अवस्था की अपेक्षा से वर्णन है। मुनिराज जब ध्यानस्थ होते हैं तो वहाँ उन्हें ज्ञान ज्ञाता गेय में कुछ भेद नहीं दिखता। जो ज्ञान गुण है वो आत्मा से अभिन्न है, ज्ञान गुण आत्मा से कोई भिन्न नहीं है। उसी प्रकार जानने वाला स्वयं आत्मा है और जानने में आने वाला भी आत्मा ही है। जब इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसी अभेद दृष्टि मुनिराज की होती है, तब निर्विकल्प ध्यान की अवस्था प्रकट होती है। समझने के लिए हम अनेक प्रकार के भेद करते हैं, लेकिन अनुभव के लिए सब भेदों को गौण कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें ठंडाई पीनी हो तो हमें ठंडाई बनानी पड़ेगी। ठंडाई बनाने के लिए तो हम अनेक प्रकार के भेदों को खड़ा करेंगे। ठंडाई बनाना हो तो हमें ये पता करना होगा कितना दूध डालना है, कितना पानी डालना है, कितनी शक्कर डालनी है, कितनी इलायची डालनी है, कितनी काली मिर्च डालनी है, इन सब बातों का, कितनी बादाम डालनी है, इन सब बातों का विचार हम बनाते समय करते हैं। बनाते समय इन सब बातों का विचार आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुपात में वस्तुएं नहीं डाली जाएगी तो ठंडाई अच्छी नहीं बनेगी।
इसलिए बनाते समय तो ये विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जब ठंडे पीना हो तब यदि हम ये विकल्प करेंगे कि इसमें कितनी इलायची डली है, कितनी काली मिर्च डली है, कितनी बादाम डली है, कितनी केसर डली है, तो हमें ठंडे का आनंद नहीं आएगा। ठंडे के आनंद को लेने के लिए हमें इन सब भेदों को गौण करके और अभेद ठंडे का स्वाद लेना होगा, तभी हम ठंडे का आनंद ले पाएंगे। जब जड़ वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी हमें निर्विकल्प होना पड़ता है, भेदों को गौण करना पड़ता है, तो आत्मा जैसी अभेद अनुपम वस्तु का आनंद लेने के लिए हमें विकल्पों को क्यों गौण न करना होगा, अर्थात अवश्य गौण करना पड़ेगा। अर्थात आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, इन सब भेदों को भी जब गौण कर देंगे तब अभेद आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। तो मुनिराज इन सब विकल्पों को भी गौण कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार की ठंडई के स्वाद लेते समय सारे विकल्पों को गौण कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण आता है कि जब हम किसी प्रकार का हार खरीदते हैं तो हार खरीदते समय हम अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं कि हार कितने का है, किस डिज़ाइन का है, ये अभी वर्तमान में इसकी फैशन है अथवा नहीं है, कितना वजन है, इन सब बातों का विचार हार खरीदने के पहले किया जाता है। जब हार खरीद लिया जाता है तब फिर सब इन सब बातों का विचार नहीं किया जाता। यदि इन सब बातों का विचार हार खरीदने के बाद भी करेंगे तो हार पहनने का सुख नहीं भोगा जा सकता। तो हार पहनने के सुख के लिए इन सब बातों को गौण करके एक अभेद हार के पहनने का अनुभव किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा को समझने के लिए हम अनेक प्रकार के गुण भेदों का वर्णन करते हैं, अर्थात आत्मा को समझने के लिए गुणों का भेद करके समझा जाता है, पर्यायों के भेद करके समझा जाता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति के लिए गुण भेद और पर्याय भेद को गौण कर दिया जाता है। यदि गुणों का और पर्यायों का भेद न किया जाए तो आत्मा समझ में नहीं आए, पर आत्मा समझ में आने के बाद में भी यदि गुण और पर्याय के भेद को गौण करके अभेद का अनुभव नहीं किया जाए तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो। तो ये दोनों वस्तुएं जरूरी है, लेकिन प्रथम गुण भेद करके पर्याय भेद करके समझना आवश्यक है, क्योंकि हमें आत्मा की महिमा लाने के लिए आत्मा को अच्छे से जानना आवश्यक है। जब तक हमें आत्मा की महिमा नहीं आएगी तब तक हम आत्मा की अनुभूति करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे, और आत्मा की महिमा के लिए गुणों का पर्यायों का भेद करना अत्यंत आवश्यक है। आज हमें रोटी, कपड़ा, मकान, धन आदि की खूब महिमा आती है, आत्मा की महिमा हमारे चित्त में उतरती नहीं है। यही कारण है कि आचार्यों ने आत्मा के गुणों का वर्णन करके आत्मा की महिमा हमारे चित्त में लाई है। उन्होंने कहा है कि अरे यह आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, और इस आत्मा के एक एक गुण की भी यदि हम एक एक पर्याय की चर्चा करें तो उसकी चर्चा भी हम पूरी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत गुण है। अब यदि हम एक ज्ञान गुण की भी चर्चा करें, और ज्ञान गुण की नहीं, ज्ञान गुण की भी एक समय की पर्याय की भी यदि चर्चा करें, तो वो एक समय की पर्याय की भी ताकत इतनी होती है कि वो तीन लोक और तीन काल को जान सकती है। अर्थात केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन लोक और तीन काल को जानने की सामर्थ्य होती है, और ऐसी पर्याय मात्र एक समय की नहीं होती, अभी तो केवल ज्ञान की पर्याय निरंतर उत्पन्न होती है और नई नई उत्पन्न होती है। प्रत्येक समय केवल ज्ञान की पर्याय का नया भोग होता है, और ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा में से निकलती जाती है। तो उस आत्मा की हम क्या महिमा कहें? अरे उस आत्मा के एक गुण की एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है कि वो तीन लोक तीन काल को जानती है, और ऐसी अनंत पर्याय उस ज्ञान गुण की है, और ऐसे अनंत गुणों का धनी एक आत्मा है। इस प्रकार आत्मा अत्यंत महिमा युक्त पदार्थ है, अत्यंत महिमावंत पदार्थ है। तो जब तक इस प्रकार से हम आत्मा के गुणों का भेद नहीं करेंगे, पर्यायों का भेद नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा की महिमा चित्त में नहीं आएगी। आज हमें रुपया, पैसा, मकान की महिमा बहुत है चित्त में, और उसी की महिमा को कम करने के लिए आचार्य गुण भेद के द्वारा, पर्याय भेद के द्वारा आत्मा की महिमा का बखान करते हैं कि हे जीवो, तुम आत्मा की महिमा का विचार करो। आत्मा के एक ज्ञान गुण की यदि बात करें, अरे केवल ज्ञान की छोड़ें, अवधि ज्ञान की भी यदि बात करें जो छद्मस्त के होता है, तो उस अवधि ज्ञान के द्वारा भी पूरे लोक का ज्ञान हो सकता है, अर्थात लोक के अंदर जितने पदार्थ है उन सबको अवधि ज्ञानी मुनिराज जान लेते हैं। तो ज्ञान की ऐसी अपरंपार सामर्थ्य है, और आत्मा में ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत गुण भरे हैं, तो जो
अनंत गुणों का पिंड ऐसा आत्मा है वो कितना महिमावंत होगा। हमें लोक में यदि किसी की धन से महिमा बतानी हो तो हम कहते हैं कि ये बड़ा करोड़पति आदमी है, लेकिन लोग कहते हैं अरे भैया तुम क्या बात करो, करोड़पति तो आजकल कई लोग हैं, इनकी एक एक दिन की एक एक फैक्ट्री की आमदनी करोड़ रुपए की है। तो लोगों को समझ में आता है कि आदमी कितना रुपये पैसे वाला है। ठीक उसी प्रकार आत्मा अनंत महिमावंत है ऐसा कहने पर आत्मा की महिमा ख्याल में नहीं आती। तो आत्मा के गुणों का वर्णन किया जाता है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अद्भुत गुण है। और इतना ही नहीं, एक एक गुण की एक एक समय की पर्याय की ताकत अद्भुत है। एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में तीन लोक तीन काल झलकता है, तब जीव को आत्मा की महिमा आती है। और जब वो महिमा आती है तब उसके प्रति रुचिवंत होता है, उसकी चर्चा सुनता है। जब वो चर्चा सुनता है तो उसके बाद में फिर वह अनुभूति के लिए प्रयत्नशील होता है। तो इस प्रकार से मुनिराज अपने स्वरूप में किस प्रकार लीन होते हैं, किस प्रकार आत्मा का अनुभव करते हैं और इस आत्मा के अनुभव के द्वारा किस प्रकार से क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सब बातों की चर्चा कलम और विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार भेद विज्ञान रूपी छैनी द्वारा आत्मा को शरीर एवं राग आदि विभाव भावों से भिन्न अनुभव करना चाहिए। जहाँ गुड़गुड़ी का भी विकल्प यानी भेद नष्ट हो जाता है, वहाँ ही निर्विकल्प अवस्था प्रकट होती है। हमें भी सतत ऐसे ध्यान की भावना करनी चाहिए।